हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब भाई। आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो आपने देखा ना थंबनेल पे, हम बनाएंगे रॉकेट। रॉकेट में यूज़ क्या करेंगे कि हम बैठ के, हम ही रॉकेट हैं, हम बैठे हैं स्केटबोर्ड पे। ये रहा स्केटबोर्ड और ये रहा फायर एक्सटिंग्विशर। अब स्केटबोर्ड पे ये फायर एक्सटिंग्विशर रखा, मैं पीछे बैठ गया। अब ये पाइप कर दिया हमने पीछे की तरफ, तो मतलब प्रेशर सारा पीछे जाएगा। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा पीछे प्रेशर जाएगा, जैसे रॉकेट में होता है पीछे प्रेशर ने पुश करा हम आगे की तरफ जाएंगे। ये सब करने वाले हैं, ऐसा कमाना है। तो भाई अपना स्केटबोर्ड तैयार है और उसके ऊपर रखे हैं चार फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर में ये चार किलो और ये छः किलो, ये भी छः किलो। अब यही होगा जैसे मैंने बताया था, पाइप पीछे और इसको हम प्रेशर से दबाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। अब देखते हैं जैसे सोचा है वैसे काम करता है या नहीं, करते हैं ट्राई। 1 2 3 गो। तो भाइयों कैसी लगी वीडियो? जैसे आपने सोचा था ना, कि आपने क्या, हमने भी बहुत सोचा था स्केटबोर्ड के ऊपर जब फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे पुश करेंगे तो जब बाहर जाता सारा का सारा पाउडर या गैस निकलती है उसके प्रेशर से हम आगे पुश होंगे, बट वैसा हुआ नहीं। बहुत हल्के लेवल पे हुआ है कि लास्ट वाले में तो मतलब दो सिलेंडर तो ऐसे ही खराब हो गए थे, तीसरे वाले में जब हमने पुश करा तब उसके प्रेशर से हम थोड़ा सा आगे गए थे, बट वो पुश इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम लास्ट बार के आगे पुश कर देंगे ना, वो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो आपको पता चल गया होगा एक फायर एक्सटिंग्विशर से कितना प्रेशर लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आगे भी इसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और जो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि भाई ऐसे करो, भाई वैसे करो, तो आप कमेंट्स में बताओ। आपका भाई कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता है, अगर आपका कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक आते तो उस पर वीडियो पक्का आने वाले। ठीक है, अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।